द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पी एक्स बराबर एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो एक द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद के शून्यक x के वे मान होंगे जिनके लिए पी एक्स शून्य होगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले x की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास है x की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो बराबर, हम x की घात दो को लिखेंगे और ऋण तीन एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे ऋण दो एक्स ऋण एक्स। इनका योग जो है ऋण तीन एक्स हो रहा है और जब हम ऋण दो को ऋण एक से गुणा कर रहे हैं तो हमें स्थिरांक दो प्राप्त हो रहा है, ये धन दो। तो ऋण तीन एक्स के स्थान पे हमने ऋण दो एक्स ऋण एक्स लिखा जो कि इसका योग ऋण तीन एक्स हो रहा है और ये जो धन दो है ये धन दो का धन दो लिखा गया और जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमें दो प्राप्त होता है। ऋण ऋण दो को ऋण एक से गुणा करने पर हमें दो प्राप्त होता है और ऋण दो एक्स और ऋण एक्स का योग करने पर हमें ऋण तीन एक्स प्राप्त होता है। इस तरह से हमने मध्य पद को तोड़ा है। अब हम पहले दो पद को कोष्टक में ले लेते हैं और अंतिम के जो दो पद है उसमें से ऋण एक को उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा एक्स ऋण दो, ऋण एक को उभयनिष्ठ निकाला है तो यहाँ पे एक्स आया और धन को हम ऋण ऋण गुणित ऋण लिख सकते हैं क्योंकि ऋण उभयनिष्ठ निकाला है तो यहाँ ऋण हमें कोष्टक के अंदर दो के सामने ऋण दो होगा। इस तरह से बराबर, अब यहाँ से प्रथम कोष्टक से हम एक्स को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक्स ऋण दो ऋण एक एक्स ऋण दो। उभयनिष्ठ एक्स ऋण दो जो है दोनों पदों में है तो हम फिर से पुनः एक्स ऋण दो का उभयनिष्ठ निकालेंगे और एक्स ऋण एक हमारे पास प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो का गुणनखंड कर प्राप्त किया एक्स ऋण दो एक्स ऋण एक। बहुपद एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो का मान शून्य होगा यदि एक्स ऋण दो गुणा एक्स ऋण एक बराबर शून्य या एक्स ऋण दो कोष्टक में बराबर शून्य या यहाँ पे हम एक्स ऋण दो बराबर शून्य ले रहे हैं या एक्स ऋण एक कोष्टक में बराबर शून्य। या एक्स ऋण दो बराबर शून्य या एक्स ऋण एक बराबर शून्य। इसीलिए एक्स बराबर ऋण दो का पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर दो या एक्स बराबर ऋण एक का पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर एक। अर्थात एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो के शून्यक दो व एक है। अब वर्ग समीकरण x की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो बराबर शून्य में x के ऐसे मान पता करते हैं जिनके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो। हम इन मानों को मूल कहते हैं। तो पुनः हम x की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो बराबर शून्य ले लिए, एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो बराबर शून्य ले लिया। अब हमने इसका जो गुणनखंड निकाला था वह था
एक्स ऋण दो और एक्स ऋण एक बराबर शून्य, या एक्स ऋण दो कोष्टक में बराबर शून्य, या एक्स ऋण एक कोष्टक में बराबर शून्य। इसीलिए एक्स बराबर दो या एक्स बराबर एक, यहाँ पे हमने ऋण दो का पक्षांतर किया तो हमें प्राप्त हुआ एक्स बराबर दो, या ऋण एक का पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर एक। यहाँ हम पाते हैं कि समीकरण एक्स बराबर दो और एक के लिए संतुष्ट हो रहा है। एक्स के यही मान बहुपद एक्स की घात दो ऋण तीन एक्स धन दो के शून्यक भी है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद के शून्यक उस बहुपद से बनाए गए समीकरण के मूल होते हैं।